Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. So today, आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, तो एज फार एज द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कंसर्न्ड, इनके पावर्स कुछ स्फेयर्स में डिफरेंट है. जहां पे खाली लोकसभा के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्यसभा, कुछ स्फेयर्स ऐसे है, देर आर सम कुछ एरियाज ऐसे है जहां पे राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है और लोकसभा के पास कम है, और कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे स्फेयर्स है जहां पे दोनों इक्वल फुटिंग पे है. ठीक है, दोनों के पास बराबर पावर्स है. ठीक है, तो कल जैसे हमने किया यू नो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में, अब जब मैंने आपको यू नो फर्क बताई, तो मैंने आपको कहा ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन मनी बिल जब हमने पढ़ा, मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट मनी बिल को खाली कहां पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में. तो आज हम इस यू नो लेक्चर में पढ़ेंगे पहले लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स, ठीक है, विच ऑनली बिलोंग टू द लोकसभा, और इसी तरीके से फिर हम पढ़ेंगे राज्यसभा के यू नो राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स, और जिसे हम कहते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, और देन हम आएंगे इक्वल पावर्स टू बोथ. ठीक है, इक्वल पावर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. हाँ, फॉर योर कन्वीनियंस अब हम एक चीज करेंगे, पहले हम इक्वल पावर्स पढ़ेंगे जहां पे यू नो लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स है, फिर हम लोकसभा की स्पेशल पावर्स देखेंगे, और देन हम राज्यसभा के स्पेशल पावर्स देखेंगे. हाँ, एज फॉर एज द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कंसर्न्ड, देयर आर सम स्फीयर्स, कुछ एरियाज है, कुछ स्फीयर्स है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स है. फॉर एग्जाम्पल, पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल्स, जो भी नॉन मनी बिल होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्डिनरी बिल होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगी, फाइनेंशियल बिल होगी, अदर देन अ मनी बिल, ठीक है, तो ऐसी बिल्स को पास करने में लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स है. और इसी तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी इंट्रोड्यूस करने में भी और प्लस पास होने में भी इनके पास इक्वल पावर्स है. ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, खाली मनी बिल को खाली मनी बिल के कंटेक्स्ट में लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स है, और चाहे ऑर्डिनरी बिल हो या नॉन मनी बिल हो या जिसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, ये इंट्रोड्यूस की जा सकती है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, इक्वल पावर्स है यहां पे भी, और प्लस इनको पास करने में दोनों के पास इक्वल पावर्स है. और तीसरा पॉइंट है इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर आपको याद होगा चैप्टर 4 में हमने पढ़ा, जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग एग्जीक्यूटिव, हमने उसमें पढ़ा कि इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, दोनों हाउसेस, लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स, तो यहां पे दोनों के पास इक्वल पावर्स है. ठीक है, क्योंकि दोनों हाउसेस के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. और इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होगा, ठीक है, मैंने आपको कहा कि इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड. ठीक है, तो इंपीचमेंट प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए भी दोनों हाउसेस दोनों हाउसेस के सारे मेंबरान पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, और इंपीचमेंट टू रिमूव द प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इन आइदर, चाहे लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा या राज्यसभा में. तो ये ऐसे स्फीयर्स है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा
के पास इक्वल पावर्स है। अब हम देखेंगे पहले स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। कुछ स्पीयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मैकेनिज्म रखा है जहां पे लोकसभा को स्पेशल पावर्स दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा मैकेनिज्म भी रखा है, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जहां पे राज्यसभा को ज्यादा पावर्स है। तो एज फार एज द स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा कंसर्नड, तो मनी बिल्स के रिलेटेड लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स है, एक्सक्लूसिव पावर, ठीक है, इट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, बिकॉज मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है खाली कहां पे, लोकसभा में, ठीक है, और मनी बिल को पास भी करती है लोकसभा प्लस राज्यसभा को, राज्यसभा के पास मनी बिल के रिलेटेड कोई पावर ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर नहीं सकती, और प्लस राज्यसभा अगर प्रपोज करेगी अमेंडमेंट्स, इफ राज्यसभा प्रपोज एनी अमेंडमेंट फॉर द मनी बिल, तो ये देन इट इज अप टू लोकसभा वेदर टू एक्सेप्ट दोज अमेंडमेंट्स आर नॉट, ठीक है, दोज अमेंडमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। दूसरा पॉइंट जो है ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज, आर ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर। हां, स्पीकर किसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, शाबाश, लोकसभा का, जैसे ही राज्यसभा का कौन होता है, चेयरमैन, जो कि असमें वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो जब ज्वाइंट सेशन होता है दोनों हाउसेज का, ज्वाइंट सेशन कब होता है, अगर कोई लॉ है, ठीक है, अगर कोई बिल है अदर देन द मनी बिल जिसपे दोनों हाउसेज का डिसएग्रीमेंट है, तो डेडलॉक हो गया। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डेडलॉक हम क्या करते हैं, वी इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डेडलॉक व्हाट इज डन, प्रेसिडेंट इनवाइट इज द ज्वाइंट सेशन, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन जब होता है, ज्वाइंट सेशन जहां पे लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं, तो वहां पे प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर, और स्पीकर कौन होता है, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा विच इज द लोअर हाउस, ठीक है। तो यहां पे मसला यह है कि राज्यसभा का चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करता है ज्वाइंट सेशन को, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरा पॉइंट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट टू द राज्यसभा, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन पुट इट लाइक दिस, यू नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इन जनरल रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बट यू नो पर्टिकुलरली दे आर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, तो ये दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। और प्लस जब ये ज्वाइंट सेशन होता है, फिर उस यू नो बिल का डेडलॉक एंड करना होता है, तो वहां पे वोटिंग होती है By all present and voting, जो लोग वहां पे present होंगे और प्लस जो लोग वोट का एक्सरसाइज करेंगे, तो उन्हीं यू नो पूरा जो जब काउंट किया जाता है, जिनका यू नो जो लोग यू नो बिल को ज्यादा फेवर करेंगे, तो उन्हीं का माना जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, when there is a joint session to resolve the deadlock on the bill, तो वहां पे क्या होता है, since लोकसभा के पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, राज्यसभा के पास उसका हाफ ही है, तो यहां पे भी लोकसभा को एज है, ठीक है। इन केस ऑफ ज्वाइंट सेशन टू रिजॉल्व ए डेडलॉक ओवर द बिल, लोकसभा हैज एन एज। एज क्यों है, बिकॉज लोकसभा के पास न्यूमेरिकल नंबर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, नंबर्स लोकसभा के पास ज्यादा है। बट यूजुअली क्या होता है, यहां पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे या कहीं पे भी दुनिया के हर एक मुल्क में पार्टी बेस्ड होता है, ठीक है, ये यू नो हाउस वाइज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी है, अभी इसके मेंबर्स है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो उनको पार्टी व्हिप के डायरेक्शन पे चलना पड़ता है, ठीक है, तो दे यहाँ पे ये इट इज नॉट द कंपटीशन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, प्रैक्टिकली, बट थ्योरी में है, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर नो एक्स आर अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकसभा, ठीक है, दीज कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। तो अब राज्यसभा के स्पेशल पावर्स है, ठीक है, जो मैंने यहां पे एक पहला पॉइंट लिखा है, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले हम ये दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है कि राज्यसभा कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट,
शाबाश। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो होता है यू नो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। तो इफ द राज्यसभा विशेज टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, तो अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पास भी उसको राज्यसभा करेगी, ठीक है। और यहां पे एक प्रोविजन है कि लोकसभा हैज टू एग्री विद दैट, ठीक है, दे नीड टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। लेकिन रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट और उसका यू नो वोटिंग वगैरह सब कुछ कहां पे होता है? राज्यसभा में, ठीक है। और रिजोल्यूशन इन ऑर्डर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ये इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है खाली राज्यसभा में, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। जैसे मनी बिल का मसला है ना, मनी बिल को खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसी तरीके से अ रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन कहां पे? राज्यसभा में। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर्स है, इट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल IAS जैसे है, IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो अगर यू नो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि कॉमन होंगी बोथ सेंट्रल और स्टेट के दरमियान। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, राज्यसभा के पास पावर है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी थ्रू विच जो स्टेट लिस्ट में चीजें हैं, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है जिन पे ऐसी चीजें जिन पे खाली स्टेट लॉ बनाएगी, अगर राज्यसभा ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है कि जिससे पार्लियामेंट को ये यू नो एम्पावरमेंट मिलेगी, पावर मिलेगा कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, ऑन द आइटम इन स्टेट सब्जेक्ट, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? राज्यसभा हैज टू पास ए रेजोल्यूशन, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझने के लिए यू नो पहले हम देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो हे बेटा, व्हेन वी वर डिस्कसिंग सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो मैंने उस वक्त आपको कहा कि सेवंथ शेड्यूल जो है इट डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। और सेवंथ शेड्यूल में शाबाश कितने लिस्ट्स हैं? थ्री लिस्ट्स हैं, ठीक है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। हां बेटा, सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स थ्री लिस्ट्स, ठीक है। देखिए शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि पहले व्हेन वी वर हैविंग ऑफलाइन क्लासेस मैंने आपको कहा कि शेड्यूल्स गिव अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 246 जो है दैट प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन कौन कौन सा आइटम, कौन कौन सा सब्जेक्ट यू नो यूनियन लिस्ट में होगा, स्टेट लिस्ट में होगा, कंकरेंट लिस्ट में होगा, ये हमें कहां पे, ये डिटेल्स कहां पे हमें मिलती है? शेड्यूल्स में, ठीक है। तो तभी शेड्यूल्स को कहा जाता है कि दैट शेड्यूल्स प्रोवाइड अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल्स, अबाउट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन लिस्ट जो है इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एट्सेट्रा, ये सारी चीजें, अगर कोई चीज रिलेटेड होगी डिफेंस से, फॉरेन अफेयर्स से या करेंसी के रिलेटेड, इन पे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, इन पे खाली पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। अब है स्टेट लिस्ट में फॉर एग्जांपल है एग्रीकल्चर, पुलिस,
पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें आती है कहां पे, एटसेट्रा, ये सारी चीजें कहां पे आती है, स्टेट लिस्ट में। और यहां पे स्टेट लिस्ट से क्या मुराद है, स्टेट लिस्ट consists of those items, those subjects on which only state legislature can legislate, on which only state legislature can make laws, ठीक है? For example, agriculture के related law बनाना होगा तो खाली state legislature बनाएगा, ठीक है? Parliament नहीं बनाएगा। इसी तरीके से hospital के related कोई law या public order, police के related, ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, state list में, ठीक है? अब है concurrent list, concurrent list में ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, इसी तरीके से फॉरेस्ट्स एटसेट्रा। ये सारी फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट्स कैन आल्सो लेजिस्लेट ऑन एजुकेशन। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, किसने लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है, ठीक है? तो सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंसिस्ट्स ऑफ ऑनली, इसमें ऐसी चीजें होती है, ऐसे आइटम्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे ऑनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, जहां पे ऑनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट, जहां पे खाली पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, ऐसे आइटम्स आते हैं जहां पे खाली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट, यू नो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में फॉर एग्जांपल एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। और ऑरिजिनली अगर हम देखेंगे इसमें यूनियन लिस्ट में ऑरिजिनली थे, हाँ, ऑरिजिनली इसमें थे 97, इसमें थे 66 और इसमें थे 47। आज है यूनियन लिस्ट में 98 आइटम्स, स्टेट के पास है अब 59 और कंकरेंट में है आज 52। हाँ बेटा, देखिए ऑरिजिनली इसे मेरा मुराद ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 की मैं बात करता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट की गई तो पहले थे यूनियन लिस्ट में खाली 97 सब्जेक्ट्स, तो आज है 98 ऑब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट में थे पहले 66 सब्जेक्ट्स, आज है 59। तो यहां से आपको पता लगता है कि स्टेट से पावर लिया गया है, ठीक है, स्टेट से लॉ बनाने का काम कुछ सब्जेक्ट्स पे लिया गया है, ठीक है। और इसी तरीके से कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जहां पे दोनों सेंटर और स्टेट भी लॉ बनाएगी, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। अगर कोई लॉ जो सेंटर ने भी बनाया है, अगर किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया, तो यहाँ पे एज ज़्यादा किसको मिलेगी, और फिर उनके उनके बीच डिसएग्रीमेंट होगा तो एज किसको मिलेगी, एज मिलेगी सेंट्रल लॉ को, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में पहले थी 47 सब्जेक्ट्स और आज है 52। तो यहाँ से इन फिगर्स से, दीज फिगर्स शोज दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम the law making power of the states has been, you know, taken away from them, ठीक है। For example, states के पास थे 66 objects, तो 66 items, आज है खाली 59। center के पास थे original 97, आज है 98, तो इसका मतलब है center के पास ज्यादा power आया है। और अगर हम देखेंगे concurrent list में थे खाली 47 और आज है 52,
और इसका यह भी मतलब है कि सेंट्रल के पास यहां पे भी ज्यादा पावर है, ठीक है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। अब मसला यहां पे है राज्यसभा की स्पेशल पावर्स में यह चीज आती है कि इट हैज द पावर टू पास ए रेजोल्यूशन जिससे पार्लियामेंट को पावर मिलेगा कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो माय डियर्स, जो एजुकेशन है ना, ये पहले इट अप टू 1976 एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वाज इनुमरेटेड अंडर स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट में था, ये ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें खाली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। बट 1976 में क्या हुआ, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इसको इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट एंड एडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। इसे क्या मिला, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आया है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एजुकेशन के रिलेटेड लॉ बनाने का पावर आया है। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में हो लेकिन पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, यहां पे आपको एक नुक्ता याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन पार्लियामेंट, इफ द पार्लियामेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वॉन्ट टू मेक ए लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, तो वहां पे क्या करना होगा, वहां पे राज्यसभा हैज टू पास ए रेजोल्यूशन, ठीक है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी एंड विच विल एम्पावर, जिससे पार्लियामेंट को पावर मिलेगी टू लेजिस्लेट टू मेक ए लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये आर्टिकल 249 के अंडर है, ठीक है। तो यह तो ऐसा रेजोल्यूशन, तो यहां पे एक चीज हमें पता चलता है, अगर पार्लियामेंट, इफ पार्लियामेंट वॉन्ट्स टू मेक ए लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास लोकसभा में नहीं होगा, उसके लिए रेजोल्यूशन शाबाश इंट्रोड्यूस और पास भी कहां पे होगा, राज्यसभा में। दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा, दिस गिव्स एज टू द राज्यसभा, ठीक है, दिस एड्स अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ टू द राज्यसभा, ठीक है। और यहां से हमें पता चलता नहीं, राज्यसभा का भी कुछ मुकाम है, राज्यसभा का भी कुछ यू नो पोजिशन है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। तो बिफोर वी कंक्लूड, लेट्स हैव ए ब्रीफ रिलुक व्हाट वी हैव डन सो फार। आज हमने पढ़े है यू नो पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मैंने आपको कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऐसे कुछ स्फीयर्स हैं, ऐसे कुछ एरियाज हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पे लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर्स है, ठीक है। और देन मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे स्फीयर्स भी हैं जहां पे लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स है, फॉर एग्जाम्पल मनी बिल के रिलेटेड लोकसभा के पास अच्छे खासे पावर्स है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे स्फीयर्स है, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है, जैसे यहां पे स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना होगा तो रेजोल्यूशन कहां पे पास होगा, राज्यसभा में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो रेजोल्यूशन कहां पे पास होगा, राज्यसभा में। तो या कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस यू नो क्रिएट करनी होगी तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन कहां पे पास होगा या इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में। तो इससे हमें पता चलता है कि व्हाई बाइकैमरलिज्म इज एसेंशियल फॉर इंडिया, ठीक है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे अपने अपने स्फीयर्स में दोनों पावर्स एक इंपॉर्टेंट, दोनों हाउसेज एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और देन मैंने आपको यहां पे ब्रीफली बताया कि जो अंडर शेड्यूल 7 है हमारे पास है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें ये चीजें होती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पब्लिक पॉलिसी और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन वगैरह। और एजुकेशन पहले ही शाबाश, एजुकेशन टिल 1976 ये किसका पार्ट था, इट वॉज ए सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। फिर इसको, तो इससे हमें ये भी पता चला कि एक यू नो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे पास ज्यादा पावर होना चाहिए
और स्टेट्स अदरवाइज क्या अदर स्टेट्स क्या सोचते हैं कि हमारे पास भी ज्यादा पावर होना चाहिए. तो लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेंटर के पास ही पावर ज्यादा चला. ठीक है, सेंटर के पास पहले खाली 97 सब्जेक्ट्स थे, आज है 98, प्लस सेंटर के पास यू नो कंकरेंट लिस्ट में अगर हम देखेंगे जहां पे 47 सब्जेक्ट्स थे ऑरिजिनली और आज है 52. तो यहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरीके से लाभ बना सकती है. ठीक है, और यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई लॉ बनाया गया है, अगर कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया, अब इनका यू नो कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन इन द सेंस स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कंट्राडिक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को, तो वहां पे एज किसको मिलेगी, प्रेफरेंस ज्यादा किसको मिलेगी, किस लॉ को, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को, पार्लियामेंट के लॉ को. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन या कहीं पे कोई क्वेश्चन है या कहीं पे कोई डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.